करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ टिक द करेक्ट्स ऑफ ऑल द लेसन्स दैट आर कमिंग इन एग्जाम. सबसे पहले हम टिक द करेक्ट से स्टार्ट करेंगे. टिक द करेक्ट उन सभी लेसन्स के करेंगे जो अभी एग्जाम में आने वाले हैं. फर्स्ट, व्हिच ऑफ दीज इज अ कच्चा हाउस. इनमें से कौन सा कच्चा हाउस है? स्टिल्ट हाउस, मड एंड स्ट्रो हाउस, कैरावन हाउस. आंसर इज मड एंड स्ट्रो हाउस. व्हिच ऑफ दीज इज अ कच्चा हाउस? मड एंड स्ट्रो हाउस. अ हाउस कैन सर्वाइव फ्लड्स. ऐसा घर जो फ्लड्स मीन्स बाढ़, जो बाढ़ में भी सर्वाइव कर सके, जो टूटे नहीं. मड एंड स्ट्रो हाउस, कैरावन, स्टिल्ट. आंसर इज स्टिल्ट. अ हाउस कैन सर्वाइव फ्लड्स, स्टिल्ट. व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ मोबाइल हाउस. इनमें से कौन सा मोबाइल हाउस नहीं है? ऐसा घर जो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकता. कैरावन, इग्लू, टेंट. आंसर इज इग्लू. इग्लू स्नो का बना हुआ होता है, इसलिए उसे एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाया जा सकता. व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ मोबाइल हाउस? इग्लू. वॉट शुड नॉट बी डन ऑन स्टेयरकेस. स्टेयरकेस मीन्स सीढ़ियाँ. सीढ़ियों पर क्या नहीं करना चाहिए? जंपिंग, रनिंग, बोथ ए एंड बी. जंपिंग नहीं करनी, रनिंग नहीं करनी, या फिर दोनों ही चीज़ें नहीं करनी चाहिए? आंसर इज बोथ ए एंड बी. वॉट शुड नॉट बी डन ऑन स्टेयरकेस? रनिंग एंड जंपिंग दोनों ही नहीं करना है. व्हिच ऑफ दीज कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक. इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, बिजली का झटका दे सकता है? नाइफ, टॉय, इलेक्ट्रिकल वायर. चाकू, खिलौना, या फिर बिजली का तार. आंसर इज इलेक्ट्रिकल वायर. व्हिच ऑफ दीज कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक? इलेक्ट्रिकल वायर. नेवर ट्राई अ मूविंग व्हीकल. चलती हुई गाड़ी में हमें क्या चीज़ ट्राई नहीं करनी चाहिए? गेट ऑन, गेट ऑफ, या बोथ ए एंड बी. चलती हुई गाड़ी के अंदर चढ़ना या उससे बाहर उतरना, दोनों ही हमें ट्राई नहीं करने चाहिए. दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दीज पीपल हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग थ्रू लेटर्स. इनमें से कौन से लोग हमें लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं? पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स. आंसर इज पोस्ट ऑफिस. व्हिच ऑफ दीज पीपल हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग थ्रू लेटर्स? पोस्ट ऑफिस. व्हाट शुड योर बिहेवियर बी टुवर्ड्स योर नेबर्स. नेबर्स मीन्स पड़ोसी. आपका आपके नेबर्स की ओर क्या बिहेवियर होना चाहिए, उनके लिए किस तरह से आपका बिहेवियर होना चाहिए, कैसे आपको बात करनी चाहिए? फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, बोथ ए एंड बी. फ्रेंडली होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, या फिर दोनों ही होने चाहिए? आंसर इज दोनों ही होने चाहिए. वेयर कैन यू डाइन आउट इन योर नेबरहुड. आपके पड़ोस में कहाँ पर बाहर खाना खा सकते हैं? हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, टेम्पल. आंसर इज रेस्टोरेंट. वेयर कैन यू डाइन आउट इन योर नेबरहुड? रेस्टोरेंट. नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज. इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में डज द सन राइज. सन राइज मीन्स सूर्य का उदय होना. किस दिशा से सूर्य उदय होता है? वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट. आंसर इज ईस्ट. सन ईस्ट डायरेक्शन से उदय होता है. ईस्ट मीन्स पूर्व. सेकेंड, विच ऑफ दीज हेल्प्स अस इन नोइंग डायरेक्शंस. इनमें से कौन हमें डायरेक्शन पता करने में हेल्प करता है? कंपस, द सन, बोथ ए एंड बी. कंपस हेल्प करता है, सन हेल्प करता है, या फिर दोनों ही हमें डायरेक्शन पता करने में हेल्प करते हैं? आंसर इज बोथ ए एंड बी. विच ऑफ दीज हेल्प्स अस इन नोइंग डायरेक्शन वाइल ट्रेवलिंग. जब हम ट्रेवल करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तब इनमें से कौन हमें डायरेक्शन पता करने में हेल्प करते हैं? मैप, कंपस, बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों. मैप हेल्प करते हैं, कंपस हेल्प करते हैं, या फिर दोनों हेल्प करते हैं? आंसर इज बोथ ए एंड बी.
On 15th अगस्त 15 अगस्त को is celebrated each year, हर साल मनाया जाता है. क्या सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 15th अगस्त को? गांधी जयंती, रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे. द करेक्ट आंसर इज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. कब करते हैं? 15th अगस्त को. नेक्स्ट, महावीर जयंती इज अ फेस्टिवल ऑफ. महावीर जयंती फेस्टिवल है. किसका फेस्टिवल है? जैन, बुद्धिस्ट, हिंदूज. तो महावीर जयंती जैन का फेस्टिवल है. जो लोग जैन होते हैं वह महावीर जयंती सेलिब्रेट करते हैं. थर्ड, गुड़ी पड़वा इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. गुड़ी पड़वा हार्वेस्ट फेस्टिवल है. हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स ऐसे फेस्टिवल्स जो फसल की कटाई के समय मनाए जाते हैं. ओके, गुड़ी पड़वा हार्वेस्ट फेस्टिवल है. विच इज सेलिब्रेटेड इन, जो कि मनाया जाता है कहाँ पर? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश. आंसर इज महाराष्ट्र. गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है. वुड पल्प इज यूज्ड टू मेक. वुड पल्प बनाने में यूज किया जाता है. क्या बनाने में? टायर, पेपर, क्लॉथ्स. क्लॉथ मीन्स कपड़े. वुड पल्प क्या बनाने में यूज किया जाता है? पेपर. वुड पल्प से पेपर बनता है. आर प्लांट्स दैट कैन ओनली क्रीप अलोंग द ग्राउंड. इनमें से वह कौन सा प्लांट है जो सिर्फ केवल जमीन पर ही क्रीप करता रहता है, रेंगता रहता है, वह सीधा खड़ा नहीं हो सकता है? क्लाइंबर्स, हर्ब्स, क्रीपर्स. आंसर इज क्रीपर्स. क्रीपर्स ही ग्राउंड पर क्रीप करते हैं. हर्ब्स तो कैसे होते हैं? स्मॉल प्लांट्स होते हैं विथ ग्रीन स्टेम. इनकी ग्रीन स्टेम होती है और सीधे खड़े हो सकते हैं खुद से. क्लाइंबर्स ये खुद से सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, इन्हें किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है. लेकिन क्रीपर्स का केस ऐसा नहीं है. क्रीपर्स को अगर सपोर्ट भी देंगे फिर भी ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता है. इसकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है. आर प्लांट्स दैट कैन ओनली क्रीप अलोंग द ग्राउंड. आंसर इज क्रीपर्स. विच ऑफ दीज इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट. इनमें से कौन सा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है? आंसर इज मॉस, फर्न, बोथ ए एंड बी या फिर दोनों. नॉन फ्लावरिंग प्लांट मीन्स ऐसा प्लांट जो कभी भी फ्लावर्स नहीं देता, उस पर कभी फ्लावर्स नहीं आते. मॉस, फर्न या फिर दोनों. द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. विच ऑफ दीज एनिमल्स गिव अस मिल्क. इनमें से कौन सा एनिमल हमें मिल्क देता है? शार्क, हैन, काउ. आंसर इज काउ. विच ऑफ दीज एनिमल्स गिव्स अस मिल्क? काउ. विच ऑफ दीज एनिमल्स इज अ वाइल्ड एनिमल. इनमें से कौन सा एनिमल वाइल्ड एनिमल है? वाइल्ड मीन्स जंगली जानवर. हॉर्स, लोयन, डॉग. आंसर इज लोयन. लोयन इज अ वाइल्ड एनिमल. विच ऑफ दीज एनिमल्स इज अ स्केवेंजर. इनमें से कौन सा एनिमल स्केवेंजर है? स्केवेंजर मीन्स ऐसे एनिमल जो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं. ओके, वल्चर, लोयन, हॉर्स. आंसर इज वल्चर. विच ऑफ दीज एनिमल्स इज ए स्केवेंजर? वल्चर.